हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे को नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक ख़राब एलईडी बल्ब। आज हम आप लोगों को इस ख़राब एलईडी बल्ब को इसे कैंची से बनाना सिखाएंगे। आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद एक ख़राब एलईडी बल्ब को अपने घर से फेंकोगे नहीं, उसको अपने घर पर बना करके दोबारा से यूज करोगे सिर्फ एक कैंची की मदद से। इसलिए आप लोग हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर इस एलईडी बल्ब को बनाते हैं और आप लोगों को बताते हैं आप लोग किस तरीके से बना सकते हो सिर्फ एक कैंची से। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको इस बल्ब के ऊपर का डिफ्यूजर हटा लेना होगा। आप इसको इस तरीके से खींचोगे तो निकल जाएगा। हमने इस बल्ब के ऊपर का डिफ्यूजर हटा लिया है, इसको साइड में रख देते हैं। इसके ऊपर का डिफ्यूजर हटाने पर इसके अंदर एक पीसीबी प्लेट लगी हुई है और इसके अंदर एक ड्राइवर होता है, जिससे कि यहाँ पर दो तार निकले हुए हैं। एक लाल कलर का निकला हुआ है और एक काले कलर का निकला हुआ है। लाल कलर वाला हमारा प्लस का है और काले कलर वाला माइनस का है। चलो पहले हम इस ड्राइवर को चेक कर लेते हैं, यह ड्राइवर ख़राब है या सही। उसके बाद हम इस पीसीबी को भी चेक करेंगे। चलो इन दोनों चीज़ों को चेक कर लेते हैं। इनको चेक करने के लिए हमको एक होल्डर लेना होगा। हमने यहाँ पर एक होल्डर ले लिया है जिसमें कि तार और प्लग दोनों लगा हुआ है। चलो इसके प्लग को बोर्ड में लगा लेते हैं। हमने यहाँ पर एक बोर्ड ले लिया है, चलो इसके प्लग को इस बोर्ड में लगा लेते हैं। हमने इस होल्डर के प्लग को बोर्ड में लगा दिया है, चलो इस बल्ब को इस होल्डर में लगाते हैं। हमने इस बल्ब को इस होल्डर में लगा दिया है। इस बल्ब को इस होल्डर में लगाने पर यह बल्ब अभी नहीं जल रहा है। चलो इसके ड्राइवर को चेक कर लेते हैं। पहले इसके ड्राइवर को चेक करने के लिए हमको एक मल्टीमीटर लेना होगा। हमने यहाँ पर एक मल्टीमीटर ले लिया है, चलो इसको 200 वोल्ट डीसी पर सेट कर लेते हैं। हमने इसको 200 वोल्ट पर सेट कर लिया है। चलो इसके वोल्टेज चेक करते हैं इसमें कितने आ रहे हैं। ये हमको लाल वाला इसमें प्लस वाले पर रखना है और काला वाला माइनस वाले पर। आप लोग देखते हो इसमें 94 वोल्ट आ रहा है, यानी कि ड्राइवर सही है, ड्राइवर में गड़बड़ी नहीं है। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे, जिस तरीके का आप यूज करके बिना मल्टीमीटर के भी इसके ड्राइवर को चेक कर सकते हो। बिना मल्टीमीटर के इसके ड्राइवर को चेक करने के लिए हमको कुछ इस प्रकार का एक तार ले लेना होगा, जिसके के दोनों साइड की हल्की प्लास्टिक हटा देना है जिस तरीके से हमने हटाया है, और इसको कुछ इस प्रकार से चिमटीनुमा बना लेना है। अब हम इस तार के एक एक पॉइंट को, ये जो अंदर से ड्राइवर के तार निकले हुए हैं प्लस माइनस के, दोनों पर इसका एक एक पॉइंट रखेंगे। अगर यह स्पार्क करेगा तो यह ड्राइवर सही है, अगर स्पार्क नहीं करेगा तो ड्राइवर ख़राब है। वैसे तो हमने मल्टीमीटर से चेक कर लिया है यह ड्राइवर सही है, लेकिन आप लोग इस तरीके से भी चेक कर सकते हो बिना मल्टीमीटर के भी। आप लोग देखते हो स्पार्क कर रहा है, यानी कि ड्राइवर में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ड्राइवर बिल्कुल सही है। ये जो ऊपर इसके पीसीबी प्लेट लगी हुई है, यही पीसीबी प्लेट ख़राब है। ज़्यादातर करके इस पीसीबी प्लेट में कोई एक बल्ब ख़राब हो जाता है। चलो हम सभी बल्ब चेक कर लेते हैं इनमें से कौन सा बल्ब ख़राब है। बल्ब को चेक करने के लिए हमको इस तार को कुछ इसी प्रकार से चिमटीनुमा बनाए रखना है, इसी से हम इसको चेक करेंगे। इन सभी बल्बों को हमको बारी बारी से शॉर्ट करना है। जिस बल्ब को शॉर्ट करने पर और सभी बल्ब जलने लगेंगे वही बल्ब ख़राब होगा। चलो सभी बल्ब बारी बारी से शॉर्ट कर लेते हैं। यह वाला बल्ब सही है, आप लोगों को भी कुछ इसी प्रकार से शॉर्ट करना है। यह वाला भी सही है, यह वाला भी सही है। आप लोग देखते हो यह वाला बल्ब ख़राब है, इसको शॉर्ट करते हैं और सभी बल्ब जलने लगे। चलो इस बल्ब को सही कर लेते हैं। इस बल्ब को सही करने के लिए हमको इस बल्ब को होल्डर से बाहर निकाल लेना होगा। अब हमको ये जो ख़राब वाला बल्ब है, हमको इस बल्ब को फोड़ना होगा। फोड़ने के लिए आप कोई भी नुकीली चीज़ का यूज कर सकते हो। हमारे पास एक कैंची है, हम इसकी मदद से इसको फोड़ देंगे। आप किसी भी नुकीली चीज़ से फोड़ सकते हो। हमने इस बल्ब को इस कैंची से फोड़ दिया है। इस बल्ब को फोड़ने पर इसमें दो पॉइंट हैं, एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। दोनों पॉइंटों के बीच में हल्का सा गैप है, हमको उस गैप को भरना है, यानी कि दोनों पॉइंटों को आपस में जोड़ना है। अब हम इस बल्ब के बीच के गैप को इसी कैंची से भरेंगे। इस कैंची में जो नोक होती है ऊपर की, इसको हम दोनों साइड से रख करके रगड़ देंगे तो इसके बीच का गैप बढ़ जाएगा। चलो रगड़ लेते हैं।
हमने इसको दोनों साइड से रगड़ दिया है, अब इसके बीच का गैप भर गया होगा। चलो इस बल्ब को जला करके चेक करते हैं। इसको जलाने के लिए हम इस बल्ब को फिर से होल्डर में लगाएंगे। आप लोग देखते हो इस बल्ब को होल्डर में लगाते ही बल्ब जलने लगा, यानी कि यह बल्ब अब सही हो चुका है। चलो अब इसके ऊपर इसका डिफ्यूज़र लगा लेते हैं। हमने यहाँ पर इसका डिफ्यूज़र ले लिया है, चलो इसको लगा लेते हैं। हमने इसके ऊपर इसका डिफ्यूज़र लगा लिया है, चलो इस बल्ब को आप लोगों को जलाकर दिखाते हैं। आप लोग देखते हो यह बल्ब इस होल्डर में लगाते ही जलने लगा, या जो हो रहा है कैमरे की वजह से हो रहा है। अब आप लोग देखते हो कितने अच्छे तरीके से जल रहा है। आप लोग भी इसी तरह से अपने घर पर एक खराब एलईडी बल्ब को एक कैंची से बिल्कुल फ्री में बना सकते हो। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।